दोस्तों, अगर आप भी एक नए यूट्यूबर है तो वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको मोटिवेशनल साबित होने वाली है। तो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विजय और आपका स्वागत है मैं निकुल ऑफिशियल टेक चैनल में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो उन यूट्यूबर के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाली है जो लोग यूट्यूब पर नए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पर दो टाइप के क्रिएटर होते हैं। पहला वो होता है जो अपना यूट्यूब पर एक नया चैनल बनाता है और वीडियो अपलोड करता है, यूट्यूब उनकी वीडियो पर 200 से 300 व्यूज दे देता है शुरू में ही। और दूसरा क्रिएटर वो होता है जो अपना एक नया चैनल बनाता है और YouTube पर YouTube उनको 10 से 15 व्यूज देता है। तो दोस्तों, जिस क्रिएटर की वीडियो पर 200 से 300 व्यूज आते हैं उसका हौसला बढ़ जाता है और वो वीडियो अपलोड करता रहता है YouTube पर। और दोस्तों, जिस क्रिएटर की वीडियो पर 10 से 15 व्यूज आते हैं वो अपना हौसला खो देता है और हार मान लेता है। और दोस्तों, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि वही वीडियो आगे जाके उसकी मिलियन में जा सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस यूट्यूबर की जिसकी वीडियो पे 200 से 300 व्यूज आए थे और दोस्तों उसमें उसका चैनल जो है अच्छा खासा ग्रोथ करने लगता है और दोस्तों उसकी वीडियो पे हज़ारों में व्यूज आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन उसका ऐसा आता है जब उसके चैनल पे 400 से 500 सब्सक्राइबर होते हुए भी यूट्यूब उसकी वीडियो पर 10 से 15 व्यूज देने लगता है। तो दोस्तों, कारण क्या है इसका 10 से 15 व्यूज आने का? कि आपका कंटेंट सही नहीं है? नहीं दोस्तों, आपका कंटेंट सही है, आप यूट्यूब का अच्छा खासा कंटेंट दे रहे हैं। तो दोस्तों, क्या कारण है कि आपकी आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो आपके सब्सक्राइबर को पसंद नहीं है? चलिए ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि आपके सब्सक्राइबर को वो वीडियो पसंद नहीं है, लेकिन दोस्तों यूट्यूब आपकी वीडियो उन सब्सक्राइबर तक पहुंचा सकता है जिन्होंने आपका चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखा, लेकिन दोस्तों यूट्यूब वहाँ भी आपकी वीडियो नहीं पहुँचाता। तो दोस्तों, इस पोजीशन पर आकर वो क्रिएटर भी हार मान जाता है, वो यूट्यूबर भी हार मान जाता है जिसका चैनल बीच में अच्छा खासा ग्रो करने लगता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जरा गौर से समझिएगा, जरा अच्छे से समझिएगा उसको। दोस्तों, जैसे आप कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। और दोस्तों, एग्ज़ाम देने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको मेहनत करना पड़ती है, पढ़ना पड़ता है आपको। तो दोस्तों, उसी तरह एक यूट्यूब है कि यूट्यूब आपकी आप जैसे यूट्यूब पर तरक्की करने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, तो यूट्यूब आपसे कहता है कि बेटा यहीं रुक जा, अब तू बहुत तरक्की करने वाला है। अगर दोस्तों आपने उस समय अगर हार मान ली तो आपकी उसी वक्त गई भैंस पानी में। और दोस्तों, अगर आपने मेहनत जारी रखी, आपने यूट्यूब छोड़ा नहीं, आप लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हो, आपने हार नहीं मानी, और तो दोस्तों आपके वो 10 से 15 व्यूज काफ़ी होंगे आगे बढ़ने के लिए आपके। इसलिए दोस्तों, मैं आप सब क्रिएटर से कहना चाहता हूँ, आप सब यूट्यूबर से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको यूट्यूब पर आना है तो यूट्यूब पर छाना है तो दोस्तों आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप अपना हौसला मत तोड़िए, हार नहीं मानिए। भले यूट्यूब आपको शुरू में 10 से 15 व्यूज दे या लास्ट में 10 से 15 व्यूज दे या बीच में 10 से 15 व्यूज दे, लेकिन दोस्तों आपको हार नहीं मानना है, आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहना, अच्छे अच्छे कंटेंट यूट्यूब को देते रहना है। तो दोस्तों, आप भी उन यूट्यूबर में से हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो अपना हौसला खो चुके हैं, हार मान चुके हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमें चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।